एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत, जिसमें हमने बात की थी। इनसे पहले वीडियो में हमने जाना राज्य किसे कहते हैं, राज्य के विभिन्न विचारकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, और राज्य के बारे में हमने जान रहे थे कि उत्पत्ति के उसके सिद्धांत। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से मानी है, तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को हमने जाना कि जिसके द्वारा राज्य को ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्था के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमने जाना पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति का, राज्य उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि राज्य का अस्तित्व एक समझौते के द्वारा आया है, नागरिकों में आपस में अपने हितों की रक्षा के लिए एक समझौता होता है, और इस समझौते के द्वारा शासन व राजा और राज्य का अस्तित्व आता है। तो आइए जानते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत किसे कहते हैं और इसके बारे में क्या विचारधाराएं हैं। तो अगर हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन विचारकों के समझौते निकल कर आते हैं, जिनमें हॉब्स हैं, लॉक हैं और रूसो हैं। ये महान राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने समझौते को बताने की कोशिश की है। जब हम देखेंगे तो तीनों के विचारों में विभिन्नताएं दिखाई देगी, लेकिन तीनों ने समझौते की बात की है, इसीलिए हम उन्हें राज्य के समझौता सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये विचार काफी प्राचीन है। शासन की शक्ति उसके साथ उसकी प्रजा के बीच समझौते पर आधारित है। तो सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वो बहुत प्राचीन समय से चले आ रहा है ये विचारधारा। और ये क्या कहती है कि शासक राजा जो है उसकी जो शक्ति है वो उसके और उसकी प्रजा के बीच एक समझौते के द्वारा मिली है, और वो समझौते पर आधारित है। ये विचारधाराएं बहुत पहले से चली आ रही, लेकिन इनका बहुत ज्यादा प्रभाव हमने समाज पे कब देखा, 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विचारक थे हॉब्स और लॉक, इन दोनों ने सामाजिक समझौता प्रस्तुत किया। और 18वीं शताब्दी में फ्रांस के रूसो द्वारा ये विचारधारा प्रस्तुत की गई। तीनों के विचार आपस में भिन्न हैं। तो तीनों ने ही सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन तीनों ने ही अपने सिद्धांतों, इन तीनों के सिद्धांतों में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो कॉन्सेप्ट है राज्य की उत्पत्ति का, उसको समझने का। उसको समझने से पहले हम बताते हैं कि तीनों ही विचारक ने अपनी कल्पना के आधार पर युग को प्राकृतिक युग में बांटा, जो कि समझौते से पहले का समय था, उसमें बताने की कोशिश की कि मानव कैसा था, उसके बाद का जो समय था जब समझौता हो गया तो समझौते में किस प्रकार से समझौता हुआ उसको बताने की कोशिश की, और लास्ट में समझौते के बाद राज्य और शासन की स्थापना की बात की। तो इन तीनों के विचारों को हम जानेंगे। बात करते हैं, हमने यहाँ हॉब्स डाला है, यहाँ लॉक है और यहाँ रूसो है, इन तीनों के विचारों को डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में इनके क्या विचार हैं? प्राकृतिक अवस्था से वो अवस्था है जब मनुष्य बहुत प्राचीन समय में रहता था और राज्य और राजा नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये एक ऐसी अवस्था है जहां सामाजिक जो रीति रिवाज है उनसे पहले की बहुत अवस्था है, जब लोग अपने अपने तक सीमित थे, और उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मानव का स्वभाव था। तो जानते हैं हॉब्स, सबसे पहले हॉब्स की बात करेंगे। तो हॉब्स का क्या प्राकृतिक युग के बारे में क्या बता रहे हैं हॉब्स? मानव स्वार्थी, अहंकारी, दुष्ट प्रवृत्ति का है, विज्ञान, साहित्य, कला आदि नहीं है, जीवन एकाकी, विवश और पाशविक है। तो हॉब्स ने अपनी जो प्राकृतिक युग की बात की है उसमें क्या विवेचना की है, उसमें उन्होंने मनुष्य को पाशविक प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्तियों से लिप्त बताया है। उन्होंने बताया है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी है, अहंकारी है और दुष्ट प्रवृत्ति का है, और वो क्या करता है कि समाज में आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ कर समय व्यतीत करते हैं,
जिसमें कि अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, दूसरे का अहित किया जाता है और समाज में विज्ञान, साहित्य, कला, वाणिज्य इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई कला है, कोई विषय नहीं है और मानव एक आदिवासी टाइप की जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, जिसमें ना कोई नियम है, ना कोई नीति है। बिना नियम नीति के एक असभ्य समाज की कल्पना इन्होंने करके बताई है। तो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे का अहित कर रहा है। तो लोगों को अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी समाज की और इन लोगों ने आपस में मिलकर समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। तो आइए जानते हैं, हॉब्स ने बताया मानव स्वार्थी है, अब सामाजिक समझौता किस प्रकार से हॉब्स बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि जीवन की भयानक स्थितियों से बचने के लिए समझौता किया गया। समझौता क्यों किया गया कि जो अजीब टाइप की जीवन शैली थी, लड़ने झगड़ने वाली दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग थे, तो उस भयावह जीवन से बचने के लिए लोगों ने एक समझौता किया। सभी एक व्यक्ति के पक्ष में अपने सभी अधिकार समर्पित कर देते हैं। जो समाज के सारे नागरिक हैं, वो अपने सारे अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। और वो क्या कर रहे हैं, एक निरंकुश शासक की उत्पत्ति यहां से हो जाती है। एक व्यक्ति के पक्ष में सारे अपने अधिकार दे देते हैं और इन अधिकारों, इस व्यक्ति की आज्ञा ही सर्वोपरि होगी और ये राजा के रूप में निकलकर आता है। तो हॉब्स ने जो राजा बताया, समझौता बताया, वो एक ही प्रकार का समझौता बताया, वो एकाकी समझौता है जिसमें समाज के सभी नागरिक आपस में इसलिए अपने अधिकार दूसरे को देते हैं कि वो आपस में कहते हैं कि मैं अपने अधिकार इसलिए समर्पित कर रहा हूं क्योंकि तुम भी अपने अधिकार उसे दे रहे हो। और इस तरीके से एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और वही व्यक्ति निरंकुश शासक के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से हॉब्स ने बताया कि जीवन के भयानक जीवन से बचने के लिए, जो अराजकता समाज में फैली थी उससे बचने के लिए सारे समाज के लोगों ने अपने अधिकार एक व्यक्ति को सौंप दिए। अब इसके बाद हॉब्स क्या कहते हैं कि राज्य और शासन की स्थापना। तो हॉब्स का जो निरंकुश शासक है वो किस प्रकार से राज्य और राजा की बात करते हैं। प्रभु सत्ता राजा में निहित है, मीन्स जो संप्रभुता है वो राजा में निहित है। संप्रभुता मीन्स वो शक्ति जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है, उसके ऊपर किसी और का कोई प्रभुत्व नहीं है। तो प्रभु सत्ता राजा में निहित होगी। जीवन की रक्षा की स्थिति को छोड़कर व्यक्ति को विद्रोह का अधिकार नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि अगर व्यक्ति के राजा में प्रभु सत्ता निहित है, राजा द्वारा बनाए गए कहे गए सारे वाक्य सत्य होंगे, राजा अपनी मनमानी करेगा, राजा के ऊपर ना कोई कानून है ना कोई सत्ता है, राजा ही सर्वे सर्वा होगा, तो निरंकुश एक राजा की उत्पत्ति यहां से हो जाती है और व्यक्तियों को राज्य का विद्रोह करने का अधिकार यहाँ नहीं है। किसी भी हाल में व्यक्ति राज्य का विद्रोह नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब अपने जीवन की रक्षा की स्थिति हो। अगर उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है तभी वो विद्रोह कर सकते हैं, उसके अलावा उन्हें राज्य का विद्रोह करने का यहाँ अधिकार नहीं मिलता। तो लेव्याथन जो है वो उसमें एक संप्रभु की बात करते हैं, निरंकुश शासक की बात करते हैं। तो हॉब्स की ये विचारधारा है जिसमें उन्होंने बताया कि प्रकृति के युग में मनुष्य कैसा था, समझौता किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से शासन व्यवस्था स्थापित हुई। अब हम जानेंगे लॉक के बारे में कि लॉक ने क्या बात कही है। लॉक ने प्राकृतिक युग के बारे में क्या बात कही कि प्राकृतिक युग जो था वो सद्भाव, पारस्परिक सहायता, संरक्षण की स्थिति है, युद्ध की नहीं। तो लॉक जो है वो बताते हैं कि ऐसा हॉब्स के विचारों से ये सहमत नहीं है और एक विरोध देखने को मिलता है कि इनकी जो मानव है, इनका जो समाज है, ये कहते हैं कि प्राकृतिक युग सामाजिक युग से पहले का नहीं है, बल्कि लोग आपस में सद्भावना से मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और वो जो प्राकृतिक युग था वो संरक्षण की स्थिति थी, वहां किसी भी प्रकार का कोई युद्ध
नहीं था, आपस में कोई मतभेद नहीं था। लॉक ने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताई है वो बताए हैं तीन प्राकृतिक अधिकार। यहाँ जो युग था प्राकृतिक युग, वहां तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की व्यवस्था थी, वो था हमारा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये तीन अधिकार हैं, ये लॉक के प्राकृतिक अधिकार कहे जाते हैं, जो प्रत्येक नागरिक को मिले थे। उसका जीवन जीने की आजादी थी, उसे जीवन को कोई खतरा नहीं था, और उसे स्वतंत्रता से रहने का अधिकार था, उसको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो हॉब्स से बिल्कुल विपरीत है, जहां एक अच्छे सामंजस्यपूर्ण समाज देखने को मिलता है। अब लॉक जो बात करते हैं वो, क्योंकि लॉक ने बताया कि सामाजिक समझौता किस प्रकार से होता है, तो लॉक जो बात करते हैं वो दो सामाजिक समझौते की बात करते हैं। हॉब्स ने हमें एक बताया, लेकिन यहां दो प्रकार के सामाजिक समझौते लोगों के बीच हुए, तो आगे बताते हैं। पहले के द्वारा राज्य की स्थापना की गई, तो दो समझौते हुए। लॉक हमें बताते हैं कि दो समझौते हुए हैं। पहले समझौते के द्वारा सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक राज्य की स्थापना की, दूसरे समझौते से राजा का शासन स्थापित किया गया। तो पहले सबने आपस में मिलजुल कर एक राज्य रूपी संस्था की स्थापना की, और फिर उस राज्य का शासन करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया, जिसे वो राजा कहते हैं। और यहाँ इन्होंने अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये समझौते किए गए। अब इनका राज्य किस प्रकार आया? शासन सीमित व उत्तरदायी है, शासक अपनी सत्ता के समय प्रयोग का वचन देता है। इनका जो समझौता है वो अपने आप में अलग है हॉब्स से। ये कहते हैं कि यहाँ का जो राजा है, जो शासक है, वो ये वचनबद्ध है कि वो अपने जो भी कार्य करेगा वो सही दृष्टि से करेगा और सबके हित के लिए करेगा। तो और जो शासन होगा वो सीमित होगा, निरंकुश राजा की बात नहीं कर रहे हैं लॉक। लॉक कहते हैं कि जो राजा है वो अपने वचन के प्रति वचनबद्ध है, वो उसका वचन को नहीं तोड़ सकता, और उसका जो शासन है वो सीमित सरकार की बात करते हैं, सीमित शासन की बात करते हैं, और एक उत्तरदायी शासन की बात करते हैं। सामाजिक समझौते, समझौते के उल्लंघन होने पर शासक को हटाया जा सकता है। तो यहाँ क्या है, एक और नई बात निकल के आती है कि जो सामूहिक और सामाजिक समझौता हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों के बीच हुआ है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस समझौते का उल्लंघन अगर राजा करता है, राजा अगर प्रजा का अहित करता है या प्रजा के हितों की रक्षा नहीं कर सकता है या अपने समझौते के आधार पर नीतियां नहीं बनाता, तो प्रजा को उसे हटाने का अधिकार यहाँ लॉक देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लॉक का समझौता अपने आप में अलग है, जो प्रजा के हित की बात करता है और शासन की, सीमित शासन की बात करता है। अब आइए जानते हैं रूसो के विचार। रूसो एक महान वैज्ञानिक है, फ्रांसीसी है, और इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में लिखा है, उसकी शुरुआत इसलिए की है कोटेशन से कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जीवन भर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन उसके ऊपर कई सारे बंधन है और कभी वो आजाद नहीं रह सकता। तो आइए देखते हैं रूसो ने किस प्रकार की प्राकृतिक युग की बात की है और किस प्रकार के समझौते की बात करते हैं। तो रूसो बताते हैं कि मानव सभ्य बर्बर है, सादगी तथा आनंद का जीवन व्यतीत करता था, किंतु विवेक जागृत होने से अपने व पराये में भेद व समाज में संपन्नों और विपन्नों में संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो रूसो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में बहुत ही अच्छा था, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, उसमें अपनापन था, मिलजुल कर रहता था, और वो सारे जो निर्णय थे उसके विवेक से नहीं लेता था बल्कि अपने सादगी से लेता था, समझ से लेता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में विवेक आया, और विवेक आने से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने संपत्तियों पे कब्जा करना शुरू कर दिया और उनपे अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया, जिससे कि अन्य लोगों का अहित हुआ, और फिर क्या हुआ, समाज में अपने तेरे पराया इन सब की भावनाएं आ गई और लोगों में एक असभ्य समाज की स्थापना हो जाती है। तो रूसो है वो ये कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा बहुत अच्छा बनाया है,
लेकिन समाज के प्रभाव में आके वो उसके विचार दूषित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब भेदभाव की स्थिति आ जाती है तो एक वर्ग संपन्न हो जाता है, एक विपन्न, विपन्न से मतलब कि एक वर्ग के पास सुविधाएं हैं और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। तो जिसने जितना ज्यादा ले लिया वो उतना ही संपन्न हो गया, और जिस पर कुछ भी नहीं बचा वो उतना ही विपन्न हो गया। तो इन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और उस संघर्ष की अवस्था से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ सामाजिक समझौता होता है। तो सामाजिक समझौते में क्या बताते हैं रूसो, समझौता व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से किया गया, सभी लोग अपने सारे अधिकारों का समर्पण करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सभी व्यक्तियों ने कहा कि हम मिलकर और अपने व्यक्तिगत अपने सारे अधिकार और समाज के सारे अधिकार एक व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं, और राज्य की स्थापना हुई जिसकी अपनी इच्छा है। रूसो ने सामान्य इच्छा की बात की है, सामान्य इच्छा से तात्पर्य कि राज्य, इनका जो राज्य होगा उसमें सामान्य इच्छा के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, अपनी सामान्य इच्छा है और सबके हित की कामना करती है, जो सामान्य इच्छा है वो सबके हित के लिए कार्य करेगी। तो इस प्रकार से रूसो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो और लोगों से भिन्न दिखाई पड़ता है, जहां सामान्य इच्छा की बात करते हैं जो सबके हित के लिए कार्य करेगी। आइए देखते हैं रूसो का राज्य किस प्रकार होगा। प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है, इनकी जो प्रभुसत्ता है वो सामान्य इच्छा में निहित है, किसी राजा में निहित नहीं है, राजा शासन करेगा लेकिन जो सामान्य लोगों की इच्छा होगी उसमें प्रभुसत्ता निहित है। राज्य कोई त्रुटि नहीं कर सकता, विद्रोह व क्रांति का प्रश्न ही नहीं उठता, चूंकि राज्य सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहेगा और सामान्य इच्छा को ही संप्रभु शक्ति प्राप्त है, तो राज्य कोई त्रुटि नहीं कर सकता, ऐसा रूसो मानते हैं। और कहते हैं कि जब राज्य कोई त्रुटि ही नहीं करेगा, वो सामान्य इच्छा के आधार पर ही नीतियां बनाएगा और सबके हित को आगे रख के कार्य करेगा, तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, और जब त्रुटि नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की क्रांति का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रूसो, हॉब्स और लॉक, इन तीनों ने अपने सामाजिक समझौते में अपने अपने हिसाब से राज्य का स्वरूप निर्धारित किया, अपने कुछ विशेषताएं बताई, जिसमें इनका लेवियाथन और हॉब्स का निरंकुश शासन की बात आती है, और लॉक के दो समझौते हैं, और प्राकृतिक अधिकारों की बात आती है, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और रूसो की सामान्य इच्छा की बात आती है। तो इस तरीके से इन तीनों के विचार अलग अलग होते हुए भी राजनीतिक विचारधारा में अपना एक महत्व रखते हैं। अब इनकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, वो आलोचनाएं इसकी क्या कह के की जाती हैं, आइए देखते हैं आलोचनाएं। समझौते की शर्तें लिखित रूप में स्पष्ट नहीं है। तो पहली आलोचना क्या है कि जो समझौता हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कहीं भी लिखित रूप में हमारे सामने प्रमाण के रूप में नहीं मिलता है, और जब लिखित नहीं है और स्पष्ट नहीं है, तीनों के विचार अपने अलग अलग बात कह रहे हैं, तो फिर किस आधार पे ये मान लिया जाए कि किनके बीच समझौता हुआ। तो इस तरीके से कई विचारक इनकी आलोचनाएं करते हैं। दूसरा, इतिहास में प्राकृतिक युग व समझौते के प्रमाण नहीं मिलते। तो अगर हम अपने इतिहास में झांके और इतिहास में देखें तो कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि एक सामाजिक समझौते से पहले प्राकृतिक अवस्था थी या सामाजिक समझौते जैसी कोई चीज हुई, तो उसके कहीं भी कोई प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य किस प्रकार था, क्योंकि तीनों के विचार अपने आप में भिन्नता रखते हैं। तो ये कहकर भी इस जो विचारधारा राज्य उत्पत्ति सिद्धांत का, सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसकी कई लोग आलोचनाएं करते हैं। राज्य विकास का परिणाम है, तो राज्य को एक समझौते के द्वारा उत्पत्ति मानते हैं ये समझौतावादी विचारक, जबकि राज्य एक समझौते के परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य एक विकास का परिणाम है जो निरंतर व क्रमिक विकास के सामने कई सालों में हमारे सामने आया है। तो इस तरीके से इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, यहाँ समझौते की अगर बात की जाए कि व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया तो उनकी इच्छा कहीं ना कहीं सामने आई, तो कई विचारक हैं वो ये कहते हैं कि राज्य की जो सदस्यता है वो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि हम जिस राज्य में निवास करते हैं उसकी सदस्य होना अनिवार्य है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से राज्य की सदस्यता हमें मिलती ही है।
तो ये अगर हम बात करें समझौते की तो यहाँ ऐच्छिक हो जाती है राज्य की सदस्यता, ऐसा कहकर भी इसकी आलोचनाएं देखने को मिलती है। तो विचारकों में मतभेद होने के बावजूद इस जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसका अपना राजनीति में महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसी ने सबसे पहले दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किया और राज्य की जो स्वरूप है उसकी एक विवेचना करने की कोशिश की है। तो इसका अपने आप में महत्व हमें राजनीति विज्ञान में दिखाई पड़ता है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण समझौता है, सिद्धांत है, जो कि राज्य की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं अपने महत्व को दर्शाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।